वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2021-23 इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे मौके पर आर अश्विन को बाहर करना, जाने कप्तान रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज यानी 7 जून से पहले दिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेला जा रहा है, जहां टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस फाइनल मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज आर अश्विन को प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया, जिसके बाद अश्विन ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। अश्विन ने साल 2021 से कैसा प्रदर्शन किया? भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में आर अश्विन को मौका नहीं दिया। वहीं तभी से अश्विन सोशल मीडिया ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई हैरान है कि दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज को मौका क्यों नहीं दिया गया और उनकी जगह शार्दुल ठाकुर को चुना गया। दूसरी ओर अश्विन ने वर्ष 2021 से अब तक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। साल 2021 से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उनका प्रदर्शन ऐसा रहा। दोस्तों आपको बता देते हैं कि स्टार स्पिन गेंदबाज आर अश्विन ने 2021 से अब तक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 13 मैच खेले हैं। वहीं उन्होंने 19.66 की औसत से 61 विकेट लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने इस दौरान 2 बार 5 विकेट भी लिए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 93 रन देकर 6 विकेट है। वहीं इस शानदार प्रदर्शन के बाद भी कप्तान रोहित शर्मा ने अश्विन को मौका नहीं दिया। कप्तान ने कहा, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में टॉस जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है, यह हमेशा मुश्किल होता है अश्विन को गिराना। वह इतने वर्षों में हमारे लिए मैच जीता रहा है, लेकिन आपको वह चीज़ें करनी होती है जो टीम के लिए महत्वपूर्ण होती है, और आखिरकार हमने वह फैसला किया। हालांकि अश्विन को मौका नहीं मिलने पर उनके फैंस लगातार उनके आंकड़े फिट कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।